बिस्मिल्लाह, कौन साहब? मैं इजाज साहब बोल रहा हूँ आरफ वाले से। जी इजाज शाह साहब, बड़ी आरफ वाले की बड़ी खुशबू आ रही है हमें अब तो। वो आपकी खरबूजे वो नहीं रहे, लेकिन फिर भी आरफ वाला और खरबूजा बहुत मशहूर। लेकिन अभी आरफ वाला की मेरे पास एक भैंस है। अच्छा हाँ, मैं उसको बड़ा प्यार से रख रहा हूँ। क्या हाल है आपका? हेलो जी। हेलो शाह जी, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक जी। आपके पास भैंस है तो बहुत अच्छी बात है जी, मुझे तो बहुत खुशी हुई है आरफ वाले की भैंस है तो। माशाल्लाह, आप सुनाएं आपका सवाल क्या आज? आज का सवाल ये दो है मेरे जी, हुक्म। एक सवाल ये कि नरम कपास के बारे में है। हाँ जी, वो कपास के बारे में जो ममनी पीली होकर नीचे गिर रही है, ठीक, और सफेद मक्खी का भी हमला है। सफेद मक्खी का भी हमला है। अच्छा, हाँ जी ठीक। और दूसरा सवाल ये, हाँ जी, ये जो बच कट्टे लिए हुए मैंने, हाँ जी, वो कमजोर हैं, उनको कट्टी मोटा और कर कट्टे, दे। हाँ जी, कट्टी और कट्टे, अच्छा, वो कमजोर है तुम्हारे। उनको मोटा करना है। हाँ शाह जी, हाँ जी आज दोनों मसलों का हल। हाँ जी, पहला मसला जो ममनी गिर रही है और सफेद मक्खी का हमला है। हाँ जी सफेद मक्खी का हमला हम आपको पेस्ट स्काउटिंग का बताते हैं कि इस तरह आप पेस्ट स्काउटिंग किया करें, रोजाना देखा करें कि कितने पत्तों के ऊपर कितनी सफेद मक्खियां हैं। अच्छा, क्या वो आप नोट करते हैं? वो नोट करते हैं कितनी हैं इस वक्त? बहुत ज्यादा हैं। तीन या चार पत्ते पे, फी एक पत्ते पत्ते पे। पे फी पत्ता तीन चार हैं, हाँ जी तो इसका मतलब है कि करीब करीब ये इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड, जब इसको हम कहते हैं मुआशी हद तक, वो हाँ जी पहुंच चुकी हैं और नुकसान के हद तक। तो इसको कंट्रोल करने के लिए शाह जी एक लिखें, हाँ जी अमीडा क्लोपर्ड। अमीडा, अमीडा क्लोपर्ड, अच्छा इसका स्प्रे करें। अमीडा क्लोपर्ड, हाँ जी, अच्छा। या फिर और रस चूसने वाले बहुत सारी अद्वियात आपको बाजार से मिलती हैं, लेकिन याद रखें किसी मुस्तनद दुकान से या डीलर से लें। अच्छा, नंबर दो माल ना दे दे। ये कौन से कंपनी का है ये? मैं कंपनियों की इस वक्त तशहीर नहीं कर रहा, अच्छा इसलिए मैं आपको कह रहा हूं आप खुद अपने इलाके में देखें कौन सा बंदा सही है और जिससे सही माल मिलता है, आप उससे दवा लें, वो स्प्रे करें। लेकिन मेरी अर्ज सुन लें शाह जी, अगर आपने अपने वसाइल में रहते हुए इसका हल तलाश करना है तो मेरे आप मेरी सीडीज भी मंगवा लें, और खास तौर पे नीम के हवाले से, जिस तरह हम कहते हैं नीम के मगज से, नीम के बीजों से ऑयल एक्सट्रैक्ट करके तेल, तेल को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, उसका कैसे आप डिटर्जेंट पाउडर या उसमें कपड़ा धोने वाला साबुन के वो चूरा वो डाल के फिर महलूल बना के पानी का स्प्रे करें, 1%, 2%, वो आप हमारे प्रोग्राम देखें और सीडी मंगवाएं। दूसरे नंबर पे अगर उनकी किस तरह एक पाउडर फॉर्म में सीड या बीज निम्बोली का, क्योंकि नीम शाह जी आपके पास बहुत ज्यादा है, आप उसका फायदा नहीं हासिल कर रहे, आप नीम से, नीम की निम्बोलियों से बायो पेस्टिसाइड अपना खुद बनाएं और स्प्रे करते जाएं, ना सुंडी आएगी ना आपके पास ये सफेद मक्खी या तेले का या थ्रिप्स का कोई मसला होगा। शाह जी, ये आप हमसे राबता रखें और अपने वसाइल में रहते हुए अपने ही जो अल्लाह ताला ने आपको नेमतें दी हुई हैं, नीम उनमें से है, इसी तरह कौड़ तुम्हे हैं, इसी तरह आपके पास देसी अक हैं, या इसके अलावा सब्ज और कड़वी मिर्चे हैं, इनके अलावा आपके पास तंबाकू है, आप ये हमसे इन सारी चीजों के बारे में आप सीडी मेरी ले लें, आपको पता चल जाएगा
किस तरह बायोपेस्टिसाइड बना के इन कीड़े मकौड़ों का तदारक किया जाता है और इनका सद्यभाव कैसे होता है। अच्छा बात सुने जी शाह जी। हेलो जी। हाँ जी बात ये है कि जरा ऊंचा बोलें। जो नीम है ना जी। हाँ जी ये आपने मुझे पहले बताया था जी, वो टेंडो में मैंने स्प्रे किया है। ठीक है और बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। बहुत अच्छा रिजल्ट है माशाल्लाह। तो शाह जी ये निरमा और कपास में भी करें, अपने अच्छा? सारे पौधों पे करें। अच्छा? नीम का बहुत फायदा है। नीम के दरख्त के नीचे सोना भी एक मैं समझता हूँ आपके लिए बहुत फायदेमंद है। ये अल्लाह ताला की ऐसी नेमत है, कड़वी जरूर है लेकिन इसका फायदा बहुत मीठा है। बहुत शुक्रिया आपका शाह जी। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगता है? प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है आजकल माशाल्लाह। बहुत सारे